Right disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं जोहान के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा और मैंने देखा है कि आप सब चाहते हैं कि जोहान के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं उसकी पूरी लाइफ को कवर करूं और इसीलिए आप सबके लिए मैं ये वीडियो ले आया हूँ। इस वीडियो का टाइटल है जोहान लीवर्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यानी कि जोहान की जिंदगी की शुरुआत से जिंदगी के अंत तक पूरी कहानी को हम जान लेंगे। आखिरकार जोहान किस खेत की मूली है सब पता लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर स्पॉइलर नहीं, स्पॉइलर का भंडार है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहले तुम जाके मॉन्स्टर सीरीज देख लो या फिर मॉन्स्टर सीरीज का एक्सप्लेनेशन हमारे ही चैनल के ऊपर है, जाके उसे खत्म करो, उसके बाद ही इस वीडियो को आके देखना, वरना तुम्हारा मॉन्स्टर देखने का मजा पूरी तरह से किरकिरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें जोहान की पर्सनालिटी के बारे में जानना होगा। उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी अलग तरह की है। एनीमे के अंदर उसने कहा था कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज डेड नथिंग मोर, यानी कि ज्यादातर यूनिवर्स सिर्फ मरा हुआ है, यानी कि उसके लिए जिंदगी के कोई मायने नहीं रहते। जिंदगी जड़ से कम नहीं है। जड़ का मतलब होता है निर्जीव, यानी कि तुम जिंदा हो या फिर मर चुके हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए जिंदगी के कोई मायने नहीं है। इस पर्सनालिटी को कहा जाता है निहिलिज्म। और अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसका ये मतलब होता है कि जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता, यानी कि तुम जिंदा हो इसके पीछे क्या वजह है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हिसाब से सब लोगों को मरना ही है, तो आज ही मर जाओ। अब जोहान के अपीयरेंस के बारे में बातें करते हैं। जोहान देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत यंग इंसान है और उसके अंदर सारी खूबियां हैं जो एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए, एक टैलेंटेड बंदे के अंदर होनी चाहिए। वो हर चीज को परफेक्टली करता है, यानी कि एक तौर से वो मिस्टर परफेक्ट है, वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी खामी नहीं है। बस उसका जो पर्सनैलिटी है वो काफी अजीब है। जोहान बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो एक देश को तबाह कर सकता है। उसे हिटलर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट माना गया है। और तुम्हें पता है अडोल्फ हिटलर ने क्या किया था, यानी कि जोहान एक देश को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। शायद वो वर्ल्ड वॉर 3 को भी करवा सकता है, उसके पास इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस है। वो आसानी से किसी को भी मैनिपुलेट कर पाता है, चाहे वो बैंक हो, कोई इंसान हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ तक कि वो सीरियल किलर को भी बड़ी आसानी से मैनिपुलेट करके उनसे अपना काम करवा लेता है। और साथ में जोहान बहुत ही ज्यादा वेल मैनर्ड है। उसे पता है कि लोगों से उसे कैसा बर्ताव करना है, कैसे बातें करनी है, और अगर कोई उससे कुछ कहता है तो उसे कैसा रिएक्ट करना है। वो इस चीज में एकदम माहिर है, इसीलिए वो शुवल का दिल बड़े ही आसानी से जीत पाया था। सिर्फ शुवल्ट नहीं, हर किसी का दिल वो आसानी से जीत पाता है। उसके अंदर ये एक खूबी है। जोहान के अंदर एक और खूबी है, वो बहुत ही ज्यादा शांत रहता है। चाहे सिचुएशन कैसी ही क्यों ना हो, कितना ही डिफिकल्ट सिचुएशन उसके सामने तुम क्यों ना ले आओ, लेकिन वो हमेशा शांत रहता है। और इसके साथ उसके पास एक और एबिलिटी है जिसके जरिए वो क्रिमिनल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। किसी तरह से वो हर क्रिमिनल का बैकग्राउंड जानता है, हर इंसान का बैकग्राउंड जानता है। उसे बैकग्राउंड चेक करना बहुत अच्छी तरह से आता है। अगर तुम्हें किसी के बारे में पता नहीं है तो जाके जोहान से पूछ लो, उसे जरूर पता होगा। वो हर इंसान के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से केस स्टडी करता है। और इसका एग्जाम्पल हमने एनिमे के अंदर देखा है, जहाँ पे वो शुवल के बारे में सब कुछ जानता है, काल की मॉम के बारे में काल से ज्यादा जानता है, और रिचर्ड के बारे में उसे इतना कुछ पता होता है कि वो उसे मजबूर कर देता है सुसाइड करने में। और अगर मैं बात करूं जोहान की आईक्यू की, तो जोहान का आईक्यू बहुत ही ज्यादा ऊपर है, और कुछ वेबसाइट के हिसाब से उसका आईक्यू 250 से ऊपर है। लेकिन मैं जोहान को किसी भी कैरेक्टर से तुलना नहीं करना चाहता, किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि जोहान मेरे लिए एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको मैं किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकता। आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि मैं जोहान को दूसरे एनिमे कैरेक्टर से कंपेयर करूं, लेकिन सच बताऊं तो मैं शायद उसे कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। जोहान बहुत ही ज्यादा खास कैरेक्टर है। अगर तुम्हें पता है कोई ऐसा एनिमे कैरेक्टर जो जोहान की बराबरी कर सके, तो बस एक बात का याद रखना, क्या कोई ऐसा एनिमे कैरेक्टर है जो रोहनहाइम जैसे एक शांत सी जगह में दंगे फसाद करवा दे इतने ज्यादा कि लोग एक दूसरे को मारने लगे। किंडरहाइम 511, जहां के लोग जल्लाद से भी ऊपर हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंट होते थे और वहां पे हर बच्चा एक मॉन्स्टर हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद जोहान ने उन सबको मैनिपुलेट किया और सबको एक दूसरे से लड़वा के मार दिया। अगर तुम्हें कोई ऐसा कैरेक्टर पता है जो इस तरह की तबाही मचा सकता है तो कमेंट करना, वरना मत करना। ये हमने बातें कर ली जोहान के बारे में। अब हम
यूहान की बिगिनिंग की शुरुआत करते हैं, जहां पे यूहान पैदा होता है, वो कैसे पैदा होता है और किस तरह से होता है उसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। चेकोस्लोवाकिया के अंदर फ्रांस बोनापार्डा और उसका असिस्टेंट पीटर चपैक, ये दोनों मिलके कुछ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उन्होंने बहुत सारे कपल के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर दोनों कपल बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, यानी कि दोनों कपल नियरली परफेक्ट इंसान हुआ करते थे, और इन दोनों के अंदर वो लोग मेटिंग करवाते थे ताकि इनसे जो बच्चा पैदा हो उसके साथ वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर सके और दुनिया में एक ऐसा इंसान बनाए जो पूरी दुनिया को एक साथ कंट्रोल कर पाए। और यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने यूहान के पेरेंट के साथ भी किया था। यूहान के फादर एक मिलिट्री के हाई ग्रेड के ऑफिसर हुआ करते थे और वो खुद वॉलंटरीली इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। यूहान की मॉम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी जिनका नाम था वोरा सरना और इन्हीं का दूसरा नाम था आना, और उसी की वजह से शायद मीना को भी आना नाम पहले मिला था। लेकिन इस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के दौरान वोरा सरना और यूहान के पापा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं यहाँ से भागने का, लेकिन इन्हें पकड़ लिया जाता है और उसके बाद इन दोनों को अलग कर लिया जाता है। वोरा सरना के पेट में दो बच्चे होते हैं, जुड़वे बच्चे होते हैं, और जब वो पेट में होते हैं तब वोरा सरना एक ही बात कहती है कि तुमने मेरे साथ जो किया है उसका बदला मेरे बच्चे जरूर लेंगे, और शायद यही बात यूहान को बहुत इफेक्ट करती है। ऐसा माना जाता है जब पेट में बच्चा हो तब हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे पेट में जो बच्चा होगा उसका भी बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। और यूहान की मॉम ने बार बार फ्रांस बोनापार्टा से कहा होता है, अगर मैं मर भी गई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चे पल रहे हैं वो तुमसे बदला लेंगे, वो मेरा बदला तुमसे लेंगे। और शायद इसी बात से यूहान ट्रिगर हो जाता है, यानी कि वो पेट के अंदर से ही कुछ गड़बड़ा सा जाता है, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ अलग सा ही हुआ होता है, और शायद इसी वजह से वो बदला लेता है पीटर चपैक और फ्रांस बोनापार्टा से रूहेनहाइम को खत्म करके। यूहान के पापा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन एक बात तो साफ है, यूहान के पापा यूहान के पैदा होने से पहले ही मर चुके हैं। जब यूहान की मॉम प्रेग्नेंट थी तब फ्रांस बोनापार्टा उनका स्केच बनाया करता था। एक बार यूहान की मॉम ने भागने की कोशिश की थी लेकिन वो भाग नहीं पाई, कोई फायदा नहीं हुआ, और बहुत ही जल्दी यूहान और नीना पैदा हो गए और ये तीनों प्राग के थ्री फ्रॉग वाले बिल्डिंग में जाके रहने लगे। लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं पता होता कि ये सच में जुड़वे हैं, क्योंकि यूहान की मॉम यूहान और नीना दोनों को लड़कियों की तरह कपड़ा पहनाती थी। यहाँ तक कि यूहान ने खुद कहा है कि शायद उसकी मॉम को खुद भी नहीं पता कि कौन आना है और कौन यूहान है, शायद उसे नहीं पता है, ऐसा यूहान ने कहा है, लेकिन असलियत तो भाई मर चुकी है, उसके बारे में किसी को नहीं पता। 1981 में जब यूहान शायद 4 या 5 साल का था तब वहाँ पे फ्रांस बोनापार्टा पहुँच जाता है और वो आना और यूहान किसी एक को चूज करने के लिए बोलता है, जहाँ पे यूहान की मॉम कंफ्यूज होती है, वो समझ नहीं पाती कि किसको भेजना है। पहले वो यूहान को आगे करती है लेकिन रोक देती है और नीना को दे देती है। इसके बाद नीना को वो रेड रोज मेंशन के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे उसे एक अंधेरी कोठरी के अंदर रखा जाता है। वहाँ पे लगभग शायद उसने 30 मील खाई होंगी, उसे ठीक से याद नहीं है, यानी कि लगभग 7 से 8 दिन तो वो वहाँ पे रही होगी। और यहीं पे ज्यादातर लोगों को डाउट होता है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे यूहान की मॉम यूहान के साथ थ्री फ्रॉग वाली जगह पर रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीटर चपैक और फ्रांस बोनापार्टा यूहान की मॉम को भी यहाँ से ले जाते हैं, यानी कि थ्री फ्रॉग वाली जगह पे यूहान अकेला रहा था, 6 से 7 दिन तक वो अकेला रहा था, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता, क्योंकि यूहान की मॉम और नीना को वो लोग ले जाते हैं जिन्हें देखा होता है लोगों ने, और लोगों को नहीं पता होता कि ये लोग जुड़वे होते हैं। हमारे एक भाई ने कमेंट करके एक थ्योरी दी थी जिसके अंदर वो यूहान की मॉम को असली मॉन्स्टर बता रहा है, लेकिन इस बात से उसकी वो थ्योरी पूरी तरह से तबाह हो गई। आगे फ्रांस बोनापार्टा नीना को रेड रोज मैंशन के अंदर ले जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन सबके सब मर जाते हैं क्योंकि दारू के अंदर जहर मिलाया होता है फ्रांस बोनापार्टा ने। फ्रांस बोनापार्टा ये सब इसलिए करता है क्योंकि असलियत में वो अब यूहान की मॉम से प्यार करने लगा था, वो बदल चुका था, वो पहले जैसा नहीं था, और वो नीना के गाल पे हाथ रख के बोलता है, इंसान जो चाहे वो बन सकता है, तुम मेरे अनमोल रतन हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मॉन्स्टर बन जाओ। यानी कि फ्रांस बोनापार्टा उसी वक्त से नहीं चाहता था कि यूहान और नीना के साथ ये सब कुछ हो, लेकिन किसी वजह से यही सब कुछ होता है। इसके बाद नीना रेड रोज मैंशन से भाग जाती है और प्राग के अंदर थ्री फ्रॉग वाली बिल्डिंग के अंदर जाती है, जहाँ पे यूहान होता है। यूहान द नेमलेस मॉन्स्टर को पढ़ रहा होता है।
नीना अपनी पूरी कहानी योहान को सुनाती है और इसके बाद भाई बहन दोनों उस जगह पे आग लगा देते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं ताकि वो चुपके से यहाँ से भाग जाएं, और ये दोनों भाग जाते हैं। लेकिन शाम होते होते ये कपल के पास पहुंच जाते हैं। वो कपल इनका अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, लेकिन योहान इन्हें भी मार देता है क्योंकि ये कपल पुलिस को फोन करने वाले थे। इसके बाद ये दोनों चेकोस्लोवाकिया बॉर्डर के पास पहुंचते हैं जहां पे नीना के पास ताकत नहीं होती और वो वहीं पे गिर जाती है। योहान भी उसी के पास होता है, तभी वहां पे जनरल वुल्फ आते हैं जो इन दोनों की जान बचा लेते हैं। जनरल वुल्फ देखते हैं योहान के हाथों में नेमलेस मॉन्स्टर का बुक होता है। वो उस बुक को पढ़ने लगते हैं और डिसाइड करते हैं योहान का नाम योहान रखा जाए, यानी कि जनरल वुल्फ ने योहान का नामकरण किया है और जनरल वुल्फ ने ही आना का नाम भी रखा होता है। इसके बाद जनरल वुल्फ आना को ऑर्फनेज 47 में और योहान को 511 किंडरहाइम में ढाल देते हैं। 511 किंडरहाइम काफी स्पेशल ऑर्फनेज होता है। वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं बच्चों के साथ ताकि वो लोग परफेक्ट सोल्जर बना सके। यानी कि पहला वाला एक्सपेरिमेंट किया था फ्रांस बोनापार्टा ने, लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट कोई और ही ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, बस एक ही कॉमन लिंक है और वो है योहान लीवर्ट। लेकिन 511 किंडरहाइम में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उन सबको भी फ्रांस बोनापार्टा ने ही डिजाइन किया होता है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये जो बच्चे होते हैं ये अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, यहाँ की अपना नाम तक भूल जाते हैं। 511 किंडरहाइम में बच्चों से उनका इमोशन को दूर किया जाता था ताकि वो परफेक्ट सोल्जर बन जाए, बिल्कुल ग्रिमर की तरह। ग्रिमर पहले कुछ भी फील नहीं कर पाता और उसकी गुस्से की वजह से, उसकी नफरत की वजह से एक सेकेंड पर्सनैलिटी डेवलप हो गई थी जिसका नाम था द मैग्निफिशेंट स्टाइनर। 511 किंडरहाइम के अंदर योहान नहीं रहना चाहता है और इसीलिए वो यहाँ से भागने का एक प्लान बनाता है। लेकिन अगर वो नॉर्मल बच्चा होता तो खुद भागता, लेकिन उसके गोल कुछ अलग ही थे। उसने देखा कि 511 किंडरहाइम के अंदर माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। उसने कुछ नहीं किया, बस उसने एक तेल में भीजा हुआ कपड़ा लिया और उसको आग के हवाले कर दिया और वो कपड़ा बहुत तेजी से जलने लगा। लेकिन ये सिर्फ एक मेटाफोर है, इसका मतलब ये है कि योहान 511 किंडरहाइम में सब लोगों के अंदर नफरत भरी पड़ी थी और इसी का इस्तेमाल किया योहान ने। योहान ने सबको इस तरह से मैनिपुलेट किया कि लोग एक दूसरे को मारने लगे, हर बच्चा दूसरे बच्चे का दुश्मन हो गया, सब एक दूसरे को मारने लगे। और तब योहान ऊपर वाली सीट में एकदम राजा की तरह बैठा रहा। और जब ये हत्याकांड खत्म हुआ तब योहान क्रिस्टोफ सेवर्निस नाम के एक बच्चे की जान बचाता है और उसे अपना पूरा प्लान बताता है और वो 10 साल बाद मिलने का वादा करता है। इसके बाद योहान को लीवर्ट फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन योहान नीना को भी अडॉप्ट करने की बातें कहता है और लीवर्ट फैमिली इसकी बातें मान भी लेती है। और ये सब पहुंच जाते हैं डुसेलडॉर्फ में। डुसेलडॉर्फ में फ्रांस बोनापार्टा इनसे मिलने के लिए आता है क्योंकि न्यूज में इसने उन जुड़े बच्चों को देखा होता है। बोनापार्टा सिर्फ इन बच्चों को देखने के लिए आया होता है, लेकिन योहान को ये बातें पता लग जाती है और योहान को ऐसा लगता है जैसे बोनापार्टा नीना और उसे अलग करने वाला है और वो अपने ही माँ बाप को मार देता है। नीना को इसके बारे में पता लग जाता है और योहान बोलता है एक मॉन्स्टर आया था और वो नीना को अपने सर पे गोली मारने के लिए बोलता है। नीना वैसा ही करती है। नीना को इसने पूरा प्लान बताया होता है कि इसे क्या क्या करना है। नीना सबको फॉलो करती है, लेकिन टेनमा योहान की जान बचा लेता है। लेकिन योहान की जान बचाने की वजह से टेनमा को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उस वक्त मेयर भी थे और उनका भी ऑपरेशन होना था, लेकिन टेनमा ने उन्हें इग्नोर किया और योहान की जान बचाई। उससे पहले एक टर्किश लड़की ने टेनमा को डांटा होता है क्योंकि वो लोग पहले आए थे लेकिन टेनमा ने किसी और का ट्रीटमेंट किया होता है। टेनमा इंसानियत की खातिर ये सब करता है और योहान की जान बचाता है और इसी वजह से उसकी जॉब खतरे में आ जाती है। टेनमा चीफ ऑफ न्यूरो सर्जरी थे, लेकिन उसे इस पदवी से निकाल दिया जाता है। इवा के साथ इसकी एंगेजमेंट टूट जाती है। टेनमा पूरी तरह से टूट जाता है और वो योहान के पास आके अपना पूरा भड़ास निकालता है। टेनमा बोलता है ये सब पैसे के भूखे हैं, इन सबको तो मर जाना चाहिए। टेनमा को ऐसा लगता है जैसे योहान बेहोश है, लेकिन योहान इसकी बातें सुन पाता है और योहान टेनमा की विश कबूल करता है। योहान एल्सर मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हाइनामैन, डॉक्टर बुयर, डॉक्टर ओपेनहाइमर को जहरीली कैंडी खिला के मार देता है और वो नीना को लेके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद योहान और आना राइनहार्ड डिंगर नाम के एक इंसान से मिलते हैं जहाँ पे वो बंदा एक बंदे को पीट रहा होता है क्योंकि वो अपने कुत्ते को पीट रहा होता है। तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है। राइनहार्ड को वो लोग अरेस्ट करने वाले होते हैं, लेकिन योहान उसे बचा लेता है और बोलता है कि नहीं, पहले उस बंदे ने इसके ऊपर अटैक किया था। राइनहार्ड योहान का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे अपने घर ले जाता है, उसे अच्छा खाना खिलाता है और रात में जब वो न्यूज देख रहा होता है तब वो बोलता है कि ये सब बेकार लोग हैं, इन सबको तो मर जाना चाहिए।
योहान उसकी बातों पे हाँ भरता है और बोलता है हमें इनकी जरूरत नहीं है, इन्हें मर जाना चाहिए। इसके बाद राइनहार्ड डिंगरमैन को एक मोटिवेशन मिलता है और वो डिसाइड करता है कि वो जस्टिस के लिए लड़ेगा, जो लोग गलत करेंगे वो उन्हें मार देगा। वो बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद योहान नीना को लेके हेडलबर्ग जाता है। वो वहाँ पे नीना को फोर्टनर फैमिली के पास छोड़ देता है क्योंकि नीना की हालत खराब होती है, वो सदमे में होती है और योहान फिलहाल के लिए उसकी देखरेख नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे फोर्टनर फैमिली के पास छोड़ देता है। इसके बाद योहान म्यूनिक जाता है। म्यूनिक में वो एक फैमिली के साथ रहता है, तब इसका नाम होता है फ्रांस हाइन्यू। उस वक्त वो एक अंधे इंसान से बहुत लगाव में होता है। वो अंधा इंसान इसे जंग की कहानियां सुनाता है, अल्टीमेट फियर की कहानी सुनाता है और योहान उससे इंग्लिश और फ्रेंच की क्लासेस भी लेता है और 13 महीनों के अंदर ये इंग्लिश और फ्रेंच में एकदम माहिर हो जाता है। इसके बाद योहान यहाँ से भी चला जाता है और अपने माँ बाप को भी मार देता है। इसके बाद ये रिचमैन और एक शुमन नाम की फैमिली के साथ भी रहता है और शायद वो हाना कैंप के साथ भी रह चुका है। इसके बाद योहान ब्रुंडल जाता है और ब्रुंडल के अंदर उसे एक कपल मिलते हैं जिनका टाइटल लीवर्ट होता है और किस्मत से उनका भी एक बेटा था जिसका नाम योहान था। वो बचपन में ही मारा जा चुका है। योहान उस योहान की आइडेंटिटी चुरा लेता है। ब्रुंडल के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आग लग जाती है। योहान इसका फायदा उठाता है और अपने लिए एक डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है जहां से ये साबित हो जाता है कि योहान लीवर्ट अडॉप्टेड नहीं है, वो उनका असली बेटा है। और इस तरह से योहान अपने आप को छुपा लेता है पूरी दुनिया से। लेकिन योहान ये वाले लीवर्ट के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताता। वो उनके लिए घर खरीद के देता है, पैसा देता है, लेकिन वक्त नहीं बिताता। 15 साल की उम्र में ये एक अंडरवर्ल्ड बैंक क्रिएट करता है जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का धंधा चलता है। ये बैंक काफी अच्छा चलता है, लेकिन योहान थोड़े पैसे लेता है और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है। योहान के बिना ये ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाती, ये तबाह हो जाती है। इसके बाद योहान हेलेंका नोवाकोवा से मिलता है और उसके साथ कुछ महीने बिताता है और उससे उसे शुबर्ट के बारे में पता लगता है। अगर तुम्हें याद नहीं है हेलेंका नोवाकोवा कौन है, तो वो काल की मॉम है। हेलेंका नोवाकोवा की मदद से योहान को शुबर्ट के बारे में पता लगता है। इसके बाद 1993 में योहान डिसाइड करता है कि जितने भी गैंग के मेंबर्स थे जर्मनी के अंदर, इसने जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था उन सबको मारने का, और ये सबको मारने लगता है। लेकिन जुंकर और उसके साथियों को मारने के लिए ये डुसेलडॉर्फ में आता है। जुंकर को ये नहीं मार पाता। जुंकर एक गाड़ी से टकरा जाता है और मरने की कगार पे होता है। लेकिन तभी डॉक्टर टनमा इसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन योहान एक टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर जुंकर को मार देता है। टनमा जुंकर की मौत को अपनी आंखों से देखता है और योहान कबूल करता है कि उसी ने डायरेक्टर हैनामैन को, डॉक्टर बुयर को और डॉक्टर ओपेनहाइमर को मारा है, क्योंकि टनमा वो सब चाहता था। टनमा सदमे में होता है और तब योहान यहाँ से निकल जाता है। लेकिन योहान जब जा रहा होता है तब उसे ईवा हैनामैन देख लेती है। इसके बाद 1995 में योहान नीना को ले जाने के लिए हाइडलबर्ग जाता है, जहां पे वो नीना से ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करता है। नीना पहले समझ नहीं पाती कि ये कौन है। नीना योहान को कॉलेज के पास देखती है और योहान को देखते ही वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद योहान नीना को ईमेल के थ्रू हाइडलबर्ग कैसल में मिलने के लिए बुलाता है। नीना उस जगह पे चली भी जाती है और योहान दो करप्ट ऑफिसर को हायर करता है जिनका नाम होता है डिटेक्टिव मैसनर और माइकल म्यूलर। इन दोनों को पैसे देता है ताकि ये फोर्टनर को मार सके और हाइडलबर्ग कैसल के पास वो एक गार्डनर को पैसे देता है ताकि वो नीना को बिजी रखे। लेकिन तभी यहाँ पे टनमा पहुंच जाता है और नीना को बचा के यहाँ से भाग जाता है। लेकिन नीना की मॉम डैड की मौत हो जाती है। योहान चाहता था कि वो अपनी बहन को वापस ले जाए, लेकिन टनमा की वजह से उसका प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद योहान फ्रैंकफर्ट जाता है और वो नियो नाजी को टारगेट करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के 4 लीडर होते हैं, द बेबी, प्रोफेसर गुंथर गेटलेस, पीटर चपैक और हेलमुट वुल्फ। ये चारों चाहते हैं कि इनके ऑर्गेनाइजेशन को योहान लीड करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लोग एक जगह पे आग लगा देते हैं टर्की डिस्ट्रिक्ट में ताकि योहान खुश हो जाए, लेकिन इनके प्लान को टेनमा, नीना और डीटर फेल कर देते हैं। योहान प्रोफेसर गेटलेस और उनके बॉडीगार्ड को खत्म कर देता है और वो रफू चक्कर हो जाता है म्यूनिक के लिए। म्यूनिक के अंदर वो शुबर्ट के करीब जाना चाहता है और इस वजह से वो म्यूनिक यूनिवर्सिटी में फेक स्टूडेंट बन के जाता है। योहान हांस जॉर्ज शुबर्ट की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है, क्योंकि अगर वो उसकी प्रॉपर्टी को हथिया लेगा तो वो पूरी जर्मन की इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाएगा और उसके बाद वो शुबर्ट को खत्म करने का प्लान बनाता है और वो इसकी शुरुआत करता है एडमन फॉरन से। एडमन फॉरन को वो शुबर्ट का बेटा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कार्ल न्यूमैन से मिलता है जो शुबर्ट का असली बेटा होता है। इसके बाद
योहान अपना प्लान बदल देता है और वो एडमन फॉरेन को मार देता है या फिर सुसाइड करने में मजबूर कर देता है। डिटेक्टिव रिचर्ड ब्राउन एडमन फॉरेन के केस को स्टडी करता है और वो पता लगा लेता है कि इसके पीछे जरूर योहान होगा। तभी योहान रिचर्ड से मिलता है और वो उन्हें एक छत के ऊपर ले जाता है और वो उसे मैनिपुलेट करता है। रिचर्ड ब्राउन ने 16 साल के जॉश स्टीफन नाम के एक बंदे को गोली मार दी होती है क्योंकि वो सीरियल किलर होता है, लेकिन इसका सबूत अभी तक मिला नहीं होता। और योहान इसे मैनिपुलेट करता है कि तुमने उसे नशे की हालत में नहीं मारा था, तुमने उसे जानबूझ के मारा था। ये सब सुनने के बाद रिचर्ड ब्राउन को बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है और वो सुसाइड कर लेता है। इसके बाद योहान कार्ल न्यूमन को शूबर्ट से मिला देता है और वो साबित कर देता है कि शूबर्ट का बेटा कार्ल न्यूमन है, जिस वजह से शूबर्ट का भरोसा वो जीत लेता है और शूबर्ट योहान को अपना सेक्रेटरी बना लेता है। शूबर्ट और कार्ल योहान के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं शूबर्ट के बाद योहान इनकी प्रॉपर्टी को संभालेगा। और यहाँ पे योहान को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। योहान डिसाइड करता है बुक डोनेशन सेरेमनी के अंदर योहान शूबर्ट को रोबोटों के जरिए मार देगा। लेकिन जब ये म्यूनिख लाइब्रेरी के पास पहुंचता है तब ये एक बुक पढ़ता है जिसका नाम होता है द नेमलेस मॉन्स्टर, और उस वजह से योहान को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है। वो दुख से बेहोश हो जाता है। यहाँ पे उसकी सेकंड पर्सनालिटी ट्रिगर नहीं हुई थी। एक्चुअली में योहान के पास कोई सेकंड पर्सनालिटी है ही नहीं, वो सारा एलिमेंट इसलिए ऐड किया था ताकि हम सब कंफ्यूज रहे, और हम रहे भी थे आखिरी एपिसोड तक। इसके बाद जब योहान को होश आता है तो वो डिसाइड करता है ना वो सेवरनेस के प्लान के ऊपर काम करेगा ना ही शूबर्ट के ऊपर काम करेगा। वो पहले अपने पास्ट को जानेगा, वो अपने अतीत को जानना चाहता है। और जब योहान शूबर्ट के घर में होता है तब उसे एक लेटर मिलता है ब्लू सोफी से। एक्चुअली ब्लू सोफी के पास योहान गया होता है एडमंड फॉरेन को लेके, और ब्लू सोफी फेक मार्गो लैंगर बनने की कोशिश कर रही होती है, इसी वजह से योहान उसके पास गया होता है। लेकिन ब्लू सोफी फिलहाल के लिए योहान को ब्लैकमेल करके पैसा हड़पना चाहती है। सोफी एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में होती है और वो कोई और नहीं रोबोटो होता है। योहान साफ साफ बता देता है कि उसे शूबर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो यहाँ से चला जाता है। रोबोटो ब्लू सोफी को मार देता है। इसके बाद बुक डोनेशन सेरेमनी होती है जहाँ पे टेनमा पहुंच चुका होता है ताकि वो योहान को मार पाए, लेकिन योहान को इसके बारे में किसी तरह से पता होता है। वो रोबोटो को भेजता है ताकि वो टेनमा को रोक पाए, और वो चाहता है रोबोटो शूबर्ट को मार दे और इसका इल्जाम टेनमा के ऊपर लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। योहान अपना प्लान बदल देता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस लाइब्रेरी को आग लगा देगा, और वो आग लगा भी देता है और टेनमा योहान को मार नहीं पाता। तभी यहाँ पे रोबोटो पहुंचता है और टेनमा की अच्छी खासी धुलाई कर देता है, लेकिन आखिरकार टेनमा उसे ओवरपावर कर ही देता है। योहान शूबर्ट के पास जाता है और उसे नरक का सीन दिखाता है और उसे छोड़ के यहाँ से जाने वाला होता है। टेनमा इसके पीछे आता है, इसे गोली मारने की कोशिश करता है। तभी नीना पहुंच जाती है और नीना टेनमा को रोकती है, वो चाहती है कि वो मारे, लेकिन ये दोनों तूतू मैं करते रह जाते हैं और योहान बड़े ही आसानी से यहाँ से चला जाता है। लेकिन टेनमा शूबर्ट और बाकी लोगों को बचा लेता है, यानी कि योहान का प्लान फिर से टेनमा ने बर्बाद कर दिया। इसके बाद योहान प्राग में थ्री फ्रॉग वाली बिल्डिंग के अंदर जाके रहने लगता है। वहां पे वो आना लीवर्ट के नाम से रहने लगता है। वो अपने आप को नीना की तरह बना लेता है, मेकअप वगैरह वगैरह से एकदम टिकटॉकर की तरह बन जाता है, और वहां पे वो सबसे पहले मारता है राइनहार्ड बियरमैन को, जो 511 किंडरहाइम के हेडमास्टर थे। राइनहार्ड बियरमैन के पास योहान का रिकॉर्डेड ऑडियो टेप था जिसको योहान लेना चाहता है, लेकिन वो ले नहीं पाता। मार तो देता है लेकिन ले नहीं पाता। वो टेप मिल जाती है वुल्फगैंग ग्रिमर को। योहान के ऑडियो टेप के ऊपर सीक्रेट पुलिस भी इंटरेस्ट दिखा रही होती है, इसीलिए वो डॉक्टर जेमन और दोस्त और सीक्रेट पुलिस को ग्रिमर को टॉर्चर करने के लिए भेजती है। लेकिन तभी यहाँ पे योहान नीना के रूप में आ जाता है और इंस्पेक्टर जेमन को मार देता है। इसके बाद ग्रिमर का सेकंड पर्सनालिटी अपीयर होता है जिसका नाम होता है मैग्निफिसेंट स्टाइनर, और वो बाकी दो लोगों को मार देता है। इंस्पेक्टर जेमन के साथ यानसुक नाम का एक डिटेक्टिव बहुत ज्यादा क्लोज होता है। योहान उससे मिलने लगता है और डिटेक्टिव यानसुक योहान के प्यार में पड़ जाता है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है, जिस वजह से योहान को सब कुछ पता होता है। ग्रिमर यानसुक से मिलता है और उसे वो ऑडियो टेप दे देता है। यानसुक इस टेप को अपनी मॉम के पास रखता है ताकि वो सेफ रहे, लेकिन योहान को इसके बारे में पता लग जाता है। वो आना के रूप में यानसुक की मॉम के पास जाता है और टेप का थोड़ा हिस्सा छोड़ने के बाद वो सब कुछ डिलीट कर देता है, और उसने एक मैसेज भी छोड़ा होता है टेनमा के लिए। प्राग के अंदर राइनहार्ड बियरमैन एक ऑर्फनेज चलाया करता था। वो बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता था, लेकिन उसकी मौत के बाद
उन बच्चों को अलग अलग ऑर्फनेज में रखा गया। उनमें से एक बच्चा होता है मिलोश। ग्रिमर के ऊपर राइनहार्ड बियरमैन को मारने का इल्जाम होता है, लेकिन बच्चों ने देखा होता है आना को, यानी कि योहान को, जो आना के रूप में था, और उन्हें पता होता है योहान ही क्रिमिनल है। इसीलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि वो योहान को ढूंढेंगे। मिलोश योहान को ढूंढ लेता है आना के रूप में। योहान उसे अपने घर ले जाता है, उसे जूस वूस पिलाता है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, वो भी बड़े ही प्यार से, और बताता है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम को ढूंढना है तो तुम्हें चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर के पास एक रेड लाइट एरिया है, वहां जाना होगा। मिलोश वहीं पे चला जाता है। किस्मत अच्छी होती है, टेनमा और ग्रिमर मिलोश को बचा लेते हैं। मिलोश पूरी तरह से मैनिपुलेट हो चुका होता है, वो एक मॉन्स्टर बन चुका होता है, वो सुसाइड करने वाला होता है, लेकिन ग्रिमर बचा लेता है उसे। थैंक यू ग्रिमर। प्राग छोड़ने से पहले योहान रेड रोज मैंशन के अंदर जाता है, वो भी आना के रूप में। इसके बाद ही अपना रूप बदलता है और योहान बन जाता है। आना के रूप में इसने जो कपड़े पहने होते हैं उसे आग लगा देता है और पूरे रेड रोज मैंशन को जला देता है। और उसी के बाद पता लगता है कि यहाँ पे 42 लोगों की लाश तो नहीं होती, कंकाल मिले होते हैं। इसके बाद पीटर चैपैक ईवा को हायर करता है ताकि वो योहान को पहचान सके, और ईवा योहान और सेवन ने इसको मिला देती है, और इसके बाद तबाही शुरू होती है। पीटर चैपैक योहान को अपने ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनाना चाहता है, लेकिन योहान के कुछ अलग ही प्लान होते हैं, और इसीलिए वो बेबी को मारने का डिसाइड करता है। बेबी को मारने के लिए वो एक लड़की को हायर करता है जो बेबी के साथ प्यार का नाटक करती है। बेबी बहक जाता है और वो लड़की बेबी को खत्म कर देती है। बेबी की मौत की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। अब कोई भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। बेबी के बॉडीगार्ड को ऐसा लगता है जैसे पीटर चैपैक ने ही उसे मरवाया हो, लेकिन पीटर चैपैक साफ साफ ना कर देता है। पीटर चैपैक को शक होता है कि ये सब योहान कर रहा है, और वो अपने आप को बचाने के लिए एक महल के अंदर जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त ही उसे बहुत ज्यादा शक होता है, उसे डर होता है कहीं ये भी योहान से तो मिला नहीं है, और वो ड्राइवर को गोली मार देता है जो कि बेबी का ही बॉडीगार्ड होता है। इसके बाद जब ये महल के अंदर पहुंचता है तब वहां पे योहान पहले से ही होता है। योहान इसे और भी ज्यादा डरा देता है और अपना मैसेज देके यहां से निकल जाता है और एक टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर जाता है, और उसने पीटर चैपैक को नीना को उसका रास्ता बताने के लिए भी कहा होता है। पीटर चैपैक की वजह से नीना योहान से मिलती है। योहान अपना पूरा प्लान बताता है, जो परफेक्ट सुसाइड का प्लान होता है वो नीना को समझा देता है। योहान की बातों से नीना को समझ में आ जाता है एक्चुअली नीना के साथ जो कुछ भी हुआ था, रेड रोज मैंशन का कांड, वो सब योहान को ऐसा लगता है जैसे योहान के साथ वो सब कुछ हुआ था, लेकिन असल में ये सब कुछ नीना के साथ हुआ होता है। इसीलिए नीना योहान को मार नहीं पाती। उसके फेस को देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं होती उसे मारने की, और वो डिसाइड करती है कि वो योहान को माफ कर देगी। योहान यहाँ से चला जाता है और फ्रॉस्ट ग्रॉसमैन नाम के एक बंदे से मिलता है जो योहान के लिए ही काम करता है, और ये आखिरी बंदा होता है जो योहान के लिए काम करता है और जिंदा है। इसीलिए योहान इसे भी मार देता है ताकि इसके बारे में किसी को कुछ पता ही ना लगे। इसके बाद योहान एक शांति प्रिय जगह में जाता है जिसका नाम होता है रोहेनहाइम, और वहीं पे फ्रांस बोनापार्ट रहता है, और योहान डिसाइड करता है कि वो इस शहर को तबाह कर देगा। उसके लिए पहले वो कुछ गन्स बांट देता है लोगों के बीच में, और लोग एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। मौत का तांडव वहां पे शुरू हो जाता है, लेकिन यहां पे इंस्पेक्टर लुंगे ग्रिमर भी पहुंच चुके होते हैं जो थोड़ा बहुत इस प्लान को फेल करने में काबिल होते हैं। रोबोटो भी होता है यहाँ पे, और रोबोटो से फाइट करने के लिए लुंगे सीधा चले जाते हैं। टेनमा पहुंच चुका होता है और टेनमा बहुत सारे लोगों की जान बचा लेता है। योहान पहाड़ के ऊपर बने हुए वैम्पायर हाउस के अंदर जाता है। वहाँ पे नीना और उसकी बहुत सारे स्केच बनाई होती है फ्रांस बोनापार्ट ने। सारे स्केच को योहान देखने लगता है, और इसके थोड़ी देर बाद नीना भी वहीं पे पहुंच जाती है, और नीना कंफर्म करती है कि योहान यहाँ पे रो रहा था। और नीना यहाँ पे डिसाइड कर लेती है कि अगर योहान और वो इस दुनिया के अंदर बचे रहे तो भी वो योहान को माफ कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं योहान को जो सीधा पहुंच चुका होता है फ्रांस बोनापार्ट और टेनमा के पास। टेनमा योहान को देखते ही गोली मारने वाला होता है, लेकिन बोनापार्ट टेनमा को पीट के नॉकआउट कर देता है और खुद गोली मारने के लिए योहान की तरफ बढ़ता है। तभी यहाँ पे रोबोटो पहुंच जाता है और वो बोनापार्ट को खत्म कर देता है, और रोबोटो की मौत भी यहीं पे हो जाती है। नीना भी यहाँ पे पहुंच चुकी होती है, और योहान अपने माथे के ऊपर उंगली रखता है, अपना आइकॉनिक पोजीशन लेता है और टेनमा को गोली मारने के लिए बोलता है। टेनमा इसे गोली मारना चाहता है, लेकिन टेनमा झिझक रहा होता है क्योंकि टेनमा किसी को नहीं मार सकता। योहान समझ जाता है कि टेनमा इसे गोली नहीं मार सकता। तब योहान अपनी बंदूक निकालता है और विम के ऊपर तान देता है और बोलता है,
अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं इसे मार दूंगा। इसके बाद टेनमा जोरों से चिल्लाने लगता है, वो गोली मारने वाला होता है। लेकिन तभी बेबड़ा जो कि विम का पिता होता है, जिसका नाम होता है हर्बर्ट नॉप, वो पहुंच जाता है और वो अपने बेटे को खतरे में देखने के बाद काफी घबरा जाता है। युहान उसे एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है और वो युहान के सर में गोली मार देता है, यानी कि टेनमा ने युहान को नहीं मारा। और इसके बाद रोहेनहाइम कांड शांत होता है। यहाँ पे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और डॉक्टर्स भी पहुंच जाते हैं बाकी लोगों की जान बचाने के लिए। लेकिन पता लगता है सर के अंदर गोली लगने के बाद भी युहान जिंदा होता है। लुंगे बोलते हैं इसकी जान बचाने वाला एक इंसान है और वो टेनमा को बुलाते हैं। टेनमा राजी हो जाता है युहान को बचाने के लिए, क्योंकि एपिसोड 2 में इवा ने कहा था सबकी जान बराबर नहीं होती और आखिरी एपिसोड के अंदर टेनमा ने प्रूव कर दिया कि सबकी जान बराबर होती है, चाहे वो कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो। टेनमा युहान का ऑपरेशन करता है और उसकी जान बचा लेता है, लेकिन युहान कोमा में होता है। जब युहान कोमा में होता है तब टेनमा उसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से युहान उठ जाता है और बोलता है, जब फ्रांस बोनापार्टा रेड रोज मेंशन ले जाने के लिए मेरे पास आया था तब उसने पूछा था कि मेरी मॉम किसे देना चाहती है। मेरी मॉम ने पहले मुझे आगे किया, लेकिन उसने मुझे रोका और नीना को जाने दिया। तो क्या वो कंफ्यूज थी? क्या वो सच में नीना को जाने देना चाहती थी या फिर वो कंफ्यूज थी? उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और नीना कौन है। तो हम दोनों में से कौन बेकार है, हम दोनों में से कौन जीने के लायक नहीं है? ये सवाल सुनने के बाद टेनमा के पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं युहान सोया हुआ होता है। अब ये बात कंफर्म नहीं की गई है कि ये टेनमा का सिर्फ एक इल्यूजन था, हलुसिनेशन कर रहा था टेनमा, या फिर सच में युहान तब जग चुका था। ये बातें क्लियर नहीं की गई है। लेकिन आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है युहान का बेड खाली होता है। तो क्या युहान यहाँ से भाग गया या फिर युहान को जब अपनी असली आइडेंटिटी मिल गई तब उसने सुसाइड कर लिया? उसने क्या किया? क्या वो कोमा की हालत में मर गया? इसके बारे में एनिमे के अंदर कुछ भी बताया नहीं गया है। लेकिन अनदर मॉन्स्टर से हम पता लगा सकते हैं। अनदर मॉन्स्टर के अंदर एक और सीरियल किलर की कहानी है। युहान की कहानी नहीं है ये एक और सीरियल किलर की कहानी है, जिसका नाम होता हरमन फुर। उसमें बताया गया है कि युहान से हरमन फुर मिला था। रोहेनहाइम जाने से पहले युहान हरमन फुर से मिलता है और अपना पूरा प्लान बताता है और हरमन फुर उसे इंस्पायर हो जाता है और वो भी सीरियल किलिंग करना शुरू कर देता है। अनदर मॉन्स्टर के अंदर भी युहान की आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई होती है। वहाँ पे सब लोग जानते हैं कि रोहेनहाइम में जो कांड हुआ था उसके पीछे एक बंदा है जिसका नाम उन्होंने रखा होता है मिस्टर जे। लेकिन युहान के बारे में किसी को नहीं पता होता और सबको यही लगता है कि युहान कोमा में है। लेकिन असलियत में युहान अपनी जिंदगी को सुधार चुका होता है, वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता है। यानी कि टेनमा ने दूसरी बार युहान को बचा के बहुत अच्छा काम किया। हर किसी को सेकंड मौका मिलना चाहिए, लेकिन युहान को नहीं मिलना चाहिए था। शायद तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन मैं होता तो शायद नहीं बचाता यार उसे। और इसी के साथ मैंने युहान की पूरी कहानी को तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया है। उम्मीद है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी तुम्हें मॉन्स्टर के अंदर कुछ भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो तुम कमेंट कर सकते हो, क्यों होने वाली वीडियो में मैं उसे भी ऐड कर दूंगा। और दोस्तों उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इतनी मेहनत के लिए कम से कम लाइक तो कर दो, कमेंट भी कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। इस वीडियो को बनाने में मेरा गला सूख चुका है और एक दिन की मेहनत नहीं है, बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के लिए ही मुझे लगभग 7 से 8 दिन लग चुके हैं। तो इसके लिए कम से कम यार इसे शेयर करो यार, थोड़ा ज्यादा ही शेयर कर देना प्लीज। और कमेंट करके बता दो अगर तुम्हें किसी और कैरेक्टर के बारे में ऐसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। और साथ में कमेंट करके बताओ कि मेरा ये जो वीडियो है तुम्हें कैसा लगा, 10 में से तुम कितना नंबर इसे देना चाहोगे, प्लीज कमेंट करके बता देना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। करो भाई सब्सक्राइब, तुम बहुत कम करते हो, अब कर भी दो, इतनी कंजूसी क्या दिखा रहे हो, पैसे थोड़ी ना लेता हूँ सब्सक्राइब करने के।